दोस्तों, आज बनाने वाले हैं लौकी का कोफ्ता। तो उसके लिए हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ लौकी, जिसका कि हमने सारा पानी निकाल दिया है, दो प्याज, अदरक छोटा सा, काजू, लहसुन की कलियां, बेसन और टमाटर। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई गर्म कर दिया है, इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे चार इलायची, दालचीनी, दो प्याज क्यूब साइज में कटा हुआ, तेल हमने यहाँ पे 3 स्पून डाला है, और प्याज का थोड़ा सा कच्चा स्मेल रहता है तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। यहाँ पे हमने 7-8 लहसुन की कलियां और अदरक को काट दिया है और इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। 3 टमाटर डाल दिया है हमने इसके अंदर। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो अभी हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, इसके अंदर हम डाल देंगे 10 से 12 काजू, थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर हमारा ग्रेवी तैयार हो जाएगा और फटाफट कोफ्ता बना के इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिर इसको हम ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लौकी का पानी निचोड़ दिया था। इसके अंदर हम डालेंगे बेसन 3 स्पून। अगर आपने 2 कप लौकी लिया है तो आप लीजिएगा 3 स्पून बेसन। इसके अंदर राइस पाउडर 1 स्पून डाल दीजिएगा। अगर आपके पास राइस पाउडर है तो डालिएगा, नहीं है तो बिना राइस पाउडर के भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी, रेड चिली पाउडर, बारीक कटे हुए ग्रीन चिलीज, अगर आप चाहते हैं तो प्याज डालिएगा, वरना बिना प्याज के भी आप बना सकते हैं। सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून। इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास राइस पाउडर नहीं है तो आप 1/4 कप बेसन डालिएगा। और ये देखिए दोस्तों, आपको इसके अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं है, लौकी में पहले से ही पानी होता है, इसलिए ये अपने आप ही ऐसा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इसको इसके से बॉल्स बना लेंगे। अगर आपको बॉल्स बनाना है तो आप बॉल्स भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको फ्लैट भी कर सकते हैं ऐसे। चलिए दोस्तों, हम इन सभी को ऐसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है जिसके अंदर हमने तेल गरम कर दिया है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा कोफ्ता। अभी हम इसको पलट देते हैं। दोस्तों, हमने तो इसके ऊपर वाला लौकी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हमने ग्रेट करके बनाया है, मगर हम बीज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो बीज है हम वो निकाल देंगे। उसके जो बीज है उसके अंदर हम 1 स्पून राइस पाउडर डालेंगे। फिर उसके अंदर हम सॉल्ट, नमक और हल्दी पाउडर डाल के सिंपली हम इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं तेल डाल के, और वो बहुत ही टेस्टी होता है, जो कि मेरा फेवरेट है। दोस्तों, गैस को आप हाई में मत रखिएगा, सिम में ही रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे कोफ्ते तैयार है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। हमारा कोफ्ता भी तैयार है और हमारा ग्रेवी भी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर दिया है जिसके अंदर हमने डाल दिया है 2 स्पून तेल। उसके अंदर हम जीरा डाल देंगे, 2 तेज पत्ता, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज, ग्रेवी डाल देंगे। तो अभी हम ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसके बाद हम इसको भून लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर है तो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा, ये सिर्फ कलर के लिए होता है, ज्यादा तीखा नहीं है ये। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से तेल निकलने लगा है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा लौकी का जो निचोड़ा हुआ पानी। आपको लौकी के पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसको इसी के अंदर डाल देना है। तो अभी हम इसको 5 मिनट बॉईल होने देंगे। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे कोफ्ता। इसको अभी हम 2 मिनट बॉईल कर देंगे, फिर गैस को हम ऑफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा लौकी का कोफ्ता। तो देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा लौकी का कोफ्ता, जो कि बन जाता है बहुत ही झटपट, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट, और लौकी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों, इसको एक बार आप जरूर बनाइएगा। एंड दोस्तों, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।